खबर सिर्फ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, जहां पर विगत दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष में सिवनी जिले के केवलारी मुख्यालय में युवा पत्रकार के द्वारा किसान न्याय यात्रा का हुआ आगाज। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भोपाल पहुंचेंगे संपादक संजय बघेल, जिसमें किसान कर्ज माफी, प्रधानमंत्री फसल योजना एवं मक्के का पंजीयन हैं प्रमुख मांगे। संजय बघेल की किसान यात्रा को मिल रहा है किसान एवं युवाओं को भारी जन समर्थन। राष्ट्रवाण अखबार के संपादक संजय बघेल द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से किसान न्याय यात्रा का आरंभ किया गया है, जहां उनके द्वारा सिवनी नगर से लगभग 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए नरसिंहपुर रायसेन जिले के रास्ते भोपाल पहुंचेंगे एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन सौंपकर किसानों के हित में फैसला लेने का आग्रह करेंगे। किसान यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, जगह जगह लोग संजय बघेल का स्वागत कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। सिवनी जिले के अंतर्गत MP24 न्यूज के लिए राजदीप रहांगडाले की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है, किन किन मांगों को लेकर आप कहां तक यात्रा कर रहे हैं? मेरे द्वारा सिवनी से भोपाल के लिए पैदल यात्रा निकाली जा रही है किसान न्याय यात्रा, जिसमें मेरी 3 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग है कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है लेकिन उसके बाद भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि वो किसानों के कर्ज को माफ़ करवाएँ, जल्द से जल्द इसके लिए निर्णय लें। दूसरा मांग है मेरी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों के खाते से प्रीमियम तो काटी जा रही है लेकिन उन्हें उनकी नुकसानी का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें उन्हें मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग है मेरी कि मक्का के लिए सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य तो घोषित कर दिया गया है लेकिन सरकारी खरीदी नहीं हो रही है, तो संबंधित सोसाइटी में खरीदी करने के लिए और पंजीयन करके किसानों की उपज मक्का खरीदने के लिए सरकार अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे।